हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूँ आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इससे पहले की क्लास में हम लोग क्लास 8 की सेकंड बुक इट्स सो हैपन के 5 लेसन्स को कर चुके हैं कंप्लीट। और आइए आज हम लोग रीडिंग करते हैं लेसन नंबर 6, इट्स सो हैपन CBSE बोर्ड NCERT बुक। और बच्चों, लेसन नंबर 6 है जिसका नाम है द फाइट। फाइट फाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? फाइट का मतलब होता है लड़ाई करना। तो आखिर इस चैप्टर का नाम है द फाइट, जिसे राइट किया है, जिसके ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। अब इसका जो टाइटल है द फाइट, तो निश्चित रूप से इस लेसन में तो फाइट ही हुई होगी। अब फाइट हुई है तो किसके बीच में हुई है, मैं आपको बच्चों बताता हूँ। फाइट होती है रणजी और सूरज के बीच में। जी हाँ बच्चों, इस लेसन के 2 कैरेक्टर्स हैं, पहले का नाम है रणजी और दूसरे का नाम है सूरज। जी हाँ बच्चों, इन्हीं दोनों बच्चों के बीच में होती है वेरी वेरी डेंजरस फाइट। तो आखिर ये फाइट होती क्यों है बच्चों? ये फाइट होती है एक स्विमिंग पूल को लेकर। जी हाँ बच्चों, एक पूल को लेकर। ये दोनों बच्चे रहा करते थे राजपुर में। जी हाँ बच्चों, समर का टाइम था, बहुत भीषण गर्मी थी और ये दोनों बच्चे राजपुर में ही रहा करते थे। बच्चों, इनमें जो रणजी नाम का जो लड़का है, बॉय है, ये बेसिकली राजपुर का नहीं है, ये रहता था राजपूताना डेजर्ट में। लेकिन इसे राजपुर में आए हुए हार्डली 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो बस वो राजपुर में घूमा करता था और क्योंकि उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे तो अकेला ही इधर उधर वंडरिंग करता रहता था। एक दिन जब वो राजपुर में घूम रहा था, बच्चों बेसिकली ये जो राजपुर है ये एक सेमी हिल एरिया है। सेमी हिल एरिया का मतलब होता है ये पूरी तरीके से पर्वतीय हिल स्टेशन नहीं है, लेकिन उसमें इसमें कुछ माउंटेन्स भी हैं, कुछ रिवर्स भी हैं, कुछ झरने भी हैं। तो बच्चों, राजपुर एक सेमी हिल एरिया है जहाँ पर रणजी घूमने के लिए आया था। और जो सूरज नाम का दूसरा लड़का है वो बेसिकली यहीं का रहने वाला है, यहीं का मतलब राजपुर का ही ये रहने वाला है। तो एक दिन जब रणजी घूम रहा था राजपुर में तो उसे एक पूल दिखाई पड़ता है। जी हाँ बच्चों, उसे एक पूल दिखाई पड़ता है और जो रणजी था बहुत अच्छा स्विमर भी था, बहुत अच्छा तैराक भी था, तो पूल को देखते ही वो उसमें छलांग लगा देता है। तभी एक दूसरा लड़का वहाँ पर आता है जिसका नाम बच्चों मैंने आपको बताया सूरज। तो उन दोनों में आपस में लड़ाई होने लगती है। लड़ाई इस बात पर होती है कि रणजी कहता है ये पूल मेरा है और सूरज कहता है ये पूल मेरा है। तो आखिर इन दोनों के बीच में जो लड़ाई होती है उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कौन जीतता है, कौन हारता है? तो बच्चों, इस बात को जानने के लिए तो हम लोगों को इस स्टोरी को रीड करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगन द स्टोरी द फाइट विच इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो बच्चों, ये स्टोरी स्टार्ट होती है राजपुर से। जी हाँ बच्चों, जो रणजी नाम का एक छोटा सा लड़का था वो राजपूताना डेजर्ट में रहता था, लेकिन घूमने के पर्पस से वो राजपुर में आया था। पूरे दिन बच्चों ये लड़का अकेला था, घूमता रहता था, उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे। एक दिन घूमते घूमते फॉरेस्ट में घूमते घूमते इसे एक छोटा सा पूल दिखाई पड़ता है जो कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट था, बहुत ही अच्छा था और उसका जो पानी था बहुत ही कोल्ड था। तो पूल को देखकर रणजी, चूंकि एक बहुत अच्छा स्विमर भी था, उस पूल में कूद जाता है और बहुत देर तक नहाता है। और उसे याद आता है कि जहाँ पर वो रहता था राजपूताना डेजर्ट में, वहाँ पर भी एक पूल था, लेकिन वहाँ जो पूल था वो बहुत गंदा था। लोग आते थे अपनी बफेलोज को लेकर और उस पूल में बफेलोज को नहलाया करते थे और बहुत सारे लोग उस पूल में अपने कपड़े भी धोया करते थे। लेकिन इस पूल का जो पानी था एकदम ट्रांसपेरेंट था और जो ट्रांसपेरेंट होने के कारण इसके जो नीचे की तलहटी थी वो भी पूरी दिखाई पड़ती थी और छोटे छोटे रॉक्स यानी कि पत्थर के टुकड़े भी उसमें नज़र आया करते थे। तो रणजी जो था इस पूल को देखकर बहुत खुश होता है और बहुत देर तक उसमें स्विम करता है। उसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है अपने घर पर और वो सोचता है कि नेक्स्ट डे मैं फिर से आऊँगा और इस पूल में आकर नहाऊँगा। अब क्योंकि बच्चों गर्मी बहुत हो रही थी, समर का सीज़न था, गर्मी बहुत हो रही थी, इसीलिए हर कोई चाहता है कि उसे बस ठंडे पानी से नहाने को मिलता रहे। तो नेक्स्ट डे वो आता है और फिर से उस पूल में कूद जाता है और बहुत देर तक स्विमिंग करता है। तभी स्विमिंग करते करते वहाँ वो देखता है कि एक स्ट्रेंजर बॉय जिसका नाम सूरज था वो उसे लगातार घूरे चले जा रहा है।
तो रणजी नाम का जो लड़का था वो उस पूल से बाहर आकर रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है और उस स्ट्रेंजर से कहता है कि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। तो जो स्ट्रेंजर बॉय होता है जिसका नाम सूरज होता है वो कहता है दिस इज़ माई पूल, ये पूल मेरा है, तुम्हें इस पूल में स्विमिंग करने की परमिशन किसने दी। तो रणजी कहता है इस पे परमिशन की क्या ज़रूरत है, ये तो एक पब्लिक पूल है, इसमें तो कोई भी जा सकता है। लेकिन उसमें अधिकार जमाता था, पोजीशन दिखाता था, कौन पोजीशन दिखाता था, सूरज। जी हाँ बच्चों, सूरज जो कि वही राजपुर का ही रहने वाला था। अब बच्चों होता ये है, दोनों लोग कहते हैं कि नहीं ये पूल मेरा है, सूरज कहता है ये पूल मेरा है। तो आपस में दोनों लोगों के बीच में एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले तो बस ये लोग टॉकिंग करते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन जब बहस ज़्यादा बढ़ जाती है तो दोनों में एक फाइट यानी कि भयंकर मुकाबला शुरू हो जाता है। इतनी भयंकर लड़ाई होती है कि दोनों आपस में एक दूसरे को रोल करते हैं, दोनों के कपड़ों में मिट्टी लग जाती है, दोनों एक दूसरे को स्लैप करते हैं, दोनों एक दूसरे को घूंसा मारते हैं, लड़ते लड़ते फिर से पूल में गिर जाते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई बंद नहीं होती है। अब जब बहुत देर लड़ाई हो जाती है, कंटिन्यूसली होती रहती है, तो दोनों बहुत बुरी तरीके से थक जाते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए दोनों अलग अलग अपनी जगह पर एक एक रॉक कर बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि अभी ये लड़ाई फिनिश नहीं हुई है, या तो तुम ये मान लो कि नेक्स्ट डे से तुम यहाँ पर स्विमिंग करने नहीं आओगे। सूरज कहता है कि तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं एक बहुत अच्छा वॉरियर हूँ। तो जो रंजीत नाम का लड़का था वो ये कहता है कि अगर तुम वॉरियर हो तो मैं भी बहुत अच्छा फाइटर हूँ, मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि नेक्स्ट डे ये जो फाइटिंग है ये कंटिन्यू रहेगी, ये लड़ाई यहाँ पर बंद नहीं होती है। तो बच्चों नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे दोनों में किस तरीके से लड़ाई होती है, आखिर उस पूल जिसमें जिसको लेकर लड़ाई हुई थी वो पूल किसका हो जाता है, उस फाइट का रिजल्ट क्या होता है, कौन जीतता है कौन हारता है, ये जानने के लिए तो आपको इस लेसन का देखना पड़ेगा सेकंड पार्ट। तो बच्चों बहुत जल्दी मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा। उससे पहले मैं आपसे फिर से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा। और जो लोग इस चैनल पर इस वीडियो पर पहली बार आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद में छोटा सा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो उससे होगा ये कि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा YouTube पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके पास में। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे द फाइट के सेकंड पार्ट के साथ में, आखिर इस लड़ाई का रिजल्ट क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका सेकंड पार्ट। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।